साग तोड़े जाएंगे बागान में। तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों पीवी में जिस तरह खुट्ठा न्यू ट्रेनिंग सॉन्ग में स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो ये सॉन्ग अभी इंस्टा पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों आप भी खुद का फोटो लगा के कुछ इस तरह स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह डेली आप लोगों के लिए नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पीएनजी जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट वीडियो क्लिप यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ें मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, देखो ये वाला प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो सॉन्ग बीट मार्क का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बीट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरह दो लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और देखो फास्ट में भी आपको बहुत बीट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, देखो यहाँ पर बीट वगैरह जो कुछ है यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो ये स्टेटस बनाने के लिए देखो फास्ट में आ जाना, और यहाँ पर आपको लिरिक्स ऐड करना है। तो लिरिक्स कैसे ऐड करना है, देखो सबसे पहले एक बार बैक हो जाना, और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। तो इसमें देख सकते हो मैं लिरिक्स को पहले से ऐड करके रखा हूँ, देख सकते हो सारा लिरिक्स में ऐड करके रखा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, इफेक्ट वगैरह सब कुछ मैं देकर रखा हूँ, देख सकते हो इमोजी वगैरह सब कुछ मैं देकर रखा हूँ। खाली आपको इधर से देखो ये लिरिक प्लेयर को ऑल सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को खाली अन सिलेक्ट करना है, और इधर से जितने सारे लिरिक प्लेयर है सभी लेयर को कॉपी लेयर कर लेना है। तो 75 लेयर है टोटल, देखो 75 लेयर को कॉपी कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, और सॉन्ग बीट मार्क में फिर से आ जाना। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को आपको टच करना है, और इधर से देखो 75 लेयर को पेस्ट कर देना। तो ये वाला ऑप्शन को टच कर देना तो पेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर मैं लिरिक्स पहले से ऐड करके रखा हूँ, इफेक्ट वगैरह सब कुछ देकर रखा हूँ। खाली आपको ये फोटो डाउनलोड करना है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोटो लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना, और ये लेयर में फोन को ऐड कर लेना। और ये फोन मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, अगर आपके पास है पहले से तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उधर आपको फोन लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ पर ऐड कर लेना फ़ोन को, सॉरी लिरिक्स को। और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो देख सकते हो 13.17 सेकंड में जो बीट है ये बीट में आपको आना है। और ये बीट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को आपको टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फोटो में ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आपको आना होगा, जूम ऑप्शन में आना होगा, ऐसे करके फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना। तो फुल स्क्रीन करने के बाद फोटो को ठीक से एडिट कर लेना, और ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, एकदम एंड में आपको आना है, ये जो ऑप्शन है पर टच करना है। तो देख सकते हो फोटो कुछ इस तरह हमारा ऐड हो जाएगा। तो फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में इफेक्ट ऐड करेंगे। तो मेन फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए एक बार बैक हो जाना, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट है, तो ये फोटो लेयर को आपको टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, फिर को टच करके इधर से कॉपी इफेक्ट करना है। तो ऐसा करके कॉपी कर लेना और बैक हो जाना। फिर से आपको सॉन्ग बीट मार्क में आपको आना है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद यहाँ पर आगे आ जाना, और यहाँ पर जो मेन फोटो है ये वाला मेन फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना,
फिर और को टच करना है और पेज डिपेट कर देना। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर आपको दो लेयर देखने को मिलेगा, देखो रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। तो इधर से दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इधर से कॉपी लेयर कर लेना, कॉपी टू लेयर कर लेना। कॉपी टू लेयर करने के बाद दोस्तों ये दो लेयर को बंद कर देना। उसके बाद दोस्तों मैं इसलिए बंद करके रखा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा ऐड करना है आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देने के लिए, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं किया हूँ, बंद करके रखा हूँ। आप लोग डिलीट कर देना। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट है देखो 14.01 सेकंड में ये बीट में आना है और यहाँ पर फिर से पेस्ट टू लेयर कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको क्या करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर जो बीट है बीट में आना है और फिर से यहाँ पर पेस्ट टू लेयर कर देना। पेस्ट टू लेयर करने के बाद देखो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर दो रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको अब कलर चेंज करना है। देखो यहाँ पर जो आपने कलर देखा था ये इफेक्ट में, वो कलर कैसे चेंज करना है, देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना और सिंपल स्ट्रैपेड जो इफेक्ट है देखो दो नंबर में, ये वाला इफेक्ट को आपको ओपन कर लेना और नीचे आ जाना। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको कलर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, तो यहाँ पर जो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर टच करना है और इधर से जो कलर आप रखना चाहते हो वो कलर को सिलेक्ट कर देना। देखो कुछ इस तरह सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक हो जाना। फिर से दोबारा जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, दो नंबर में जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को ओपन कर लेना। यहाँ पर कलर ऑप्शन को आपको टच करना है और इधर से अपने हिसाब से कलर को रख लेना, जिस कलर आप रखना चाहते हो जो कलर। देखो ऐसा करके ये इफेक्ट को ऐड करना है, फिर से पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से उस तरह करके कलर को चेंज करना है फोटो में, मतलब इफेक्ट में। तो ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, सेकंड में जो इफेक्ट है इफेक्ट को ओपन कर लेना, यहाँ पर जो कलर बॉक्स यहाँ पर टच करना और इधर से कलर को चेंज कर लेना। तो ऐसा करके आप लोग एकदम एंड तक इफेक्ट को चेंज कर लेना और ऐसे करके पेस्ट भी कर लेना जैसे मैं दिखाया। ऐसे करके जहाँ देखो यहाँ पर जो गैप है इसमें आपको ऐड करना नहीं है ये इफेक्ट को, इस तरह आपको गैप में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर जो बीट है बीट में फिर से पेस्ट कर देना जैसे मैं दिखाया पहले, उस तरह करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना और ऐसे करने के बाद आगे आ जाना। यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आ जाना, ये बीट में आने के बाद दोस्तों एक PNG फोटो ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और सॉरी ये वाला PNG फोटो को आपको ऐड करना है। तो PNG फोटो को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आपको आना है, जूम ऑप्शन में आना है और ऐसा करके छोटा कर लेना अपने हिसाब से मतलब, और फास्ट वाला ऑप्शन को टच करके ऐसा करके फोटो को मूव कर लेना जहाँ पर रखना चाहते हो उधर रख लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आना है, नीचे जो शेडो ऑप्शन है पर टच करके शेडो को ऑन कर देना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आपको ना ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। कुछ इस तरह देख सकते हो हमारा जो PNG फोटो है उसमें शेडो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में फिर से आना है और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है और ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को आपको ऐड करना है। देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन को मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और देखो ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना है, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आना है, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना। तो देखो फास्ट में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एकदम फास्ट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है और ये वाला जो PNG बॉर्डर है ये वाला PNG बॉर्डर को आपको ऐड करना है, एकदम लास्ट में ना ही जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो दोस्तों जैसे मैं दिखा ऐसे करके आप लोग ये स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।